Abhe, click the subscribe button and hit the bell icon so you do not miss any updates. Hello and welcome to another episode of Idli with Addy. And अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि कॉफी बहुत लोग पिलाते हैं लेकिन इडली सिर्फ हम लोग खिलाते हैं. That being said, हमारे पास आज यहाँ पे कॉफी है एंड उसमें थोड़ा इशू हो गया था क्योंकि आज हमारे इडली वाले अन्ना नहीं आए. पर आज का एपिसोड टैलेंट के रिलेटेड है इसलिए आज मैं थोड़ा अपना टैलेंट आपके पास पेश करना चाहूँगा. तो चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों आपने सोचा होगा कि फ्लूट में से सैक्सोफोन का आवाज़ क्यों आ रहा है, पर वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ. और ऐसे आज मेरे साथ बहुत टैलेंटेड गेस्ट हैं जिनका नाम है सैक्सोफोन लावण्य. हेलो एंड वेलकम टू इडली विद आड़ी. ओके, सो एज आई सेड दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्वर्सेशन, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट. सो आई रेड, लाइक आई चेक्ड योर वेबसाइट एंड इट्स सेड दैट यू स्टार्टेड योर म्यूजिक करियर एट द एज ऑफ 6. Yes. So, like, but how is that possible? Did you even lift this at the age of 6? No. At the age of 6, I started learning vocal music. Okay. Vocal music is very important. I know this one thing, that there were over 10 percussionists in your family. Yes, your, I belong to a family of Your dad was a musician, then your grandfather was a musician in the royal court. Mm-hmm. So, like, tell me a little about the history. What is this all like? Like, is it aisa ke subah utte the bas gaana bajana chalu karte the fir khana khake sota the? No. नहीं, I belong to a family of orthodox musicians. Music का वो माहौल हमेशा घर पे रहा था. So मैं मेरे लिए choice ही नहीं था. So मुझे पता था कि मुझे music ही करना है. So initially, this is a true story. Oh. I wanted to become an air hostess. Okay. मेरे parents को पसंद नहीं था. So मैंने सोचा कुछ भी करके इनको मनाना पड़ेगा. Then I thought after the 10th standard, they asked me what do you want to do. I didn't know anything. जो कुछ भी बोलूंगी वो मानने को तैयार नहीं. Like that's the thing, they ask you what you want to do but they're not okay with. No. Yeah. No. The thing is I would tell, those days वो is Aishwarya Rai and Sushmita Sen, they had just won Miss World and Miss Universe. तो सारे टॉल गर्ल्स मॉडलिंग पे जाते थे. हाँ. तो मुझसे सारे स्कूल गर्ल्स वही बात करते थे, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट. मैं घर पे बोली तो बहुत मार पड़ा मुझे. या देन आई थॉट ये म्यूजिक बोलेंगे तभी ये लोग मानेंगे. किसी भी तरह घर छोड़ के जाने के लिए एक वजह चाहिए मुझे. सो मैंने बोल दिया कि क्या करने चाहते हैं. सारे लड़कियां तो तब का वीणा वायलिन फ्लूट सब थे. तो मैंने ऐसे बोल दिया सैक्सोफोन करूंगी. मेरे फादर है उसको सच मान के, ही वॉज सो हैप्पी एंड ऑलरेडी सब के पास ढिंडोरा पीटने लगे कि ओ मेरे लड़की अचीवमेंट कर गई ऐसे. तो मैंने सोचा एक साल ऐसे टाइम वेस्ट करूँगी, बस मैं बोल दूँगी कि मुझसे नहीं होगा, मैं वही करूँगी ऐसे मैंने सोचा था. बट ऐसा नहीं हुआ. वहाँ पे गई, एक ही दिन में पता चला दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि इधर से सब कट होके ब्लड आने लगा. तब मैं बहुत दुबली पतली थी, इतना एनर्जी नहीं था. एक फूंक मारा तो रेस्ट करना पड़ता, और एक मारा तो रेस्ट. ऐसे इतना बुरा हालत था मेरा. एंड क्लास में सारे बॉयज थे, वो लोग हमेशा मुझे यही बोलते थे दम लगा के, आयशा दम, ऐसे सब हंसते थे मुझ पर. मुझे लगा मैं क्यों आ गई इधर ऐसे सोच. देन व्हाट हैपेंड, स्लोली आई पिक्ड अप रियली वेल एंड आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन टू दिस. एंड जहाँ पे भी मैं परफॉर्म करती सारे लोग इकट्ठे होके देखते हैं, उसका तालियां बजाते हैं, तो मुझे पैसे भी मिलते हैं. तो मोटिवेशन था. हाँ. मेन मोटिवेशन वॉज मनी. तो तब मुझे पॉकेट मनी तो घर पे मिलता नहीं था. हाँ. तो इधर मिलता था, तो देन आई थॉट ओके इसमें पैसा भी मिलता है कोई. पर फिर वो सैक्सोफोन इतना ऑड इंस्ट्रूमेंट था, वो टाइम पे कोई सीखता नहीं था स्पेशली गर्ल्स. तो आपका कैसे हो कि आपने चालू कर, यू स्टार्ट लाइकिंग इट? कॉलेज जाने के लिए फोर्स नहीं कर रहे, बिकॉज़ दे वर ऑल नॉट एजुकेटेड. ओह. सो एजुकेशन लेवल बहुत ही कम था. एवरीवन वाज इनटू म्यूजिक, सो दे वांटेड मी टू डू म्यूजिक ओनली, अदरवाइज तेरे शादी कर देंगे, घर का काम करो नहीं तो शादी कर देंगे, बस यही सुनने को मिलता था. सो मैं इससे बचने के लिए झूठ बोल दिया कि मैं सैक्सोफोन सीखूंगी. योर टीचर वाज अ, यू नो, ही वाज, ही इज वन पद्मश्री. या द वन थिंग यू आस्क्ड मी लाइक व्हाई आई एयर होस्टेस से पूरा वो शैटर्ड ड्रीम्स. दैट वाज हिम. हां, ओनली बिकॉज़ ऑफ माय गुरुजी, बिकॉज़ द वे ही प्लेड, इट्स वाइब्रेंट साउंड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट.
and the unique way of his playing. You might have heard Kenny G and all. Yeah, har jagah hota hai. But mere guru ji ka alag hi classical andaaz hai. Unki tarah legendary artist koi nahi hai saxophone. तो बट देन अभी कैसा इतने बड़े गुरु जी से सीखने का अपॉर्चुनिटी कैसा मिला आपको बिकॉज लाइक दैट्स नॉट ऑर्डिनरी नॉट एनीवन हु वांट्स टू लर्न कैन जस्ट गो टू हिम एंड यू नो से इनफ बिकॉज़ माय डैड वाज एकॉम्पनिंग माय गुरुजी सो दे वर फ्रेंड्स ओह सो उसी फ्रेंडशिप की वजह से उन्होंने मुझे सिखाने का मन किया एंड अभी ये जो सैक्सोफोन था ये व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इट उसका एक बहुत गंदा क्रास आवाज आता है जब आई यू स्टार्टेड तो वैसा आपका मतलब क्या डिड योर फैमिली गो थ्रू स्लीपलेस नाइट्स those days were I was so driven like mujhe kuch karna hi hai aise kuch aa gaya tha mujh mein kyunki mere sare class friends they were going to big colleges and I'm sitting at home and doing nothing only music so mujhe laga mujhe kuch hat ke karna hai main din mein 8 ghante 6 ghante se 8 ghante practice karti thi जब मैं शुरू करती थी तो ऐसा आवाज आता था कि चेयर को कभी पुल किया था हाँ। वैसा आता था मेरे मामी किचन से बोलती थी बंद कर अपना क्या चेयर से क्या खेल रही हो ऐसे चिल्लाती थी then when she came to see me I was playing that horrible it was saxophone ke jo types hota na so I have no clue about that there is that soprano then there is yeah so there are five types actually okay so tell me about those first thing is baritone it is okay. too huge like aapko khade hoke bajana padega uspe pura gana nahi ho sakta just only the effects aap de sakte low very low sound hota hai uska idhar udhar thoda thoda aapne hollywood movies mein dekha hoga yeah बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा थोड़ा बजाने के लिए वो यूज करते हैं एंड देन देयर इज टेनर सैक्सोफोन टेनर इज लाइक मच मोर बिगर देन दिस व्हिच आई हैव इज हियर इज द अल्टो सैक्सोफोन बैरिटोन हो गया उसके बाद टेनर सैक्सोफोन इज लुक्स लाइक दिस बट इट इज अ लिटिल बिगर देन दिस एंड देन थर्ड इज दिस अल्टो सैक्सोफोन दिस मॉडल एंड देन देयर इज सोप्रानो सैक्सोफोन दैट्स स्मॉल स्मॉल वन आपने केनी जी को बजाते हुए देखा होगा ना वो सोप्रानो सैक्सोफोन था ओके ज्यादातर मूवीज में वही यूज ज्यादा होता है एंड आल्सो दिस आल्सो एंड देन देयर इज सोप्रानिनो इज इवन मोर स्मॉलर देन दैट ऐसे वैरायटीज है आई यूज्ड टू थिंक दैट्स अ डिजाइनर फ्लूट और समथिंग ऑनेस्टली नो इट इज प्लेड विद द माउथ पीस एंड द रीड ओनली सो यू कैन तो अभी अपने कंट्री में देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू म्यूजिक बट देयर इज कंजर्वेटिज्म दैट यू नो यू शुड फिनिश योर एजुकेशन फर्स्ट एंड देन परस्यू म्यूजिक सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट लाइक व्हाट वुड यू इफ समवन अ किड आस्क्स यू दैट व्हाट शुड आई डू व्हाट वुड यू टेल हिम और हर फर्स्ट फिनिश योर एजुकेशन देन डू म्यूजिक ओके बिकॉज़ आई फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन और मुझे इतना नॉलेज नहीं था कहाँ जाके क्या करना है हर बार मैं कोई भी मुझे आसानी से उल्लू बना जाते हैं उल्लू बनने के बाद मुझे पता चलता है मुझे ये नहीं करना चाहिए था तो इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फिनिश योर कॉलेज यू कैन स्टार्ट इट एज अ साइड हॉबी बट परस्यू इट ओनली आफ्टर यू फिनिश ग्रेजुएशन आजकल का बच्चों का क्या है अगर एक साल में नहीं आया तो उनको कल को वो बजाना कैसे हो पाएगा वी हैव टेकन 14 ईयर 15 ईयर्स टू मास्टर दिस सो सबको ऐसा है एक रात में फिल्म गाना बजाना है एक रात में ऐसे नहीं होता है वो पहले वो नोटेशंस ठीक आना चाहिए उसका कंट्रोल आना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में स्वीट साउंड आना चाहिए बट नोबडी हैज दैट पेशेंस सो एवरीवन वांट टू बी ओवरनाइट स्टार ये तो होगा नहीं ना तो वही बोलती हूँ I have seen your individual work. I've seen a couple of videos and seen you play. But then, what was your affiliation with Queens? Or tell me a little about that. Yes, it's my all female band. Oh, okay. Yes, जैसे I started playing with so many other men, male artists. I'm lucky enough to have worked with big music directors, and there were some other girls who were motivated by looking at me. Then they used to, send friend requests or send messages in the Facebook and Instagram. And then they were always telling me, "We need one chance to play with you." ऐसे ऐसे करके लिखते थे. And I thought, okay, not every girl gets right opportunities as I got. Yeah. So I thought, why not bring them together? ऐसे कुछ करके because and also. People
started asking me why not you form up a female band. So generally क्या होता है हम musicians को singers के पीछे ही होते हैं. Main prime light spotlight हमेशा singers को मिलता है. So what I wanted to do is उन background music को आगे लेते हैं. उनको spotlight देते हैं. So that's what my idea. Okay. So that's how it formed. And like many of my teachers told me that, you know, when creative people work together, there are so many conflicts, like, you know, on whether this should happen or whether that should happen, because it's ultimately there is no rule. It's just what, you know, one person likes doing and, you know, what one person thinks might sound better. So did you have such conflicts and did you deal with them? All the time. You know what? People call me war queen. Oh. मैं हमेशा हर किसी से झगड़ती रही हूँ. ये बात नहीं है कि मैं अपने intentionally झगड़ती हूँ. I'm a perfectionist. I'll say that. So I can't take average work. मुझसे होगा नहीं. That's why people call me that. I also noticed that there was a Limca book of records that you hold. So tell me a little about that. I don't know. Some people called me and they told me that we want for some of your clippings. I thought it's for some TV interview. ऐसे कुछ होगा. They came to my live concert and took the clippings and then they left. And then after a few days, I got the call that I have been selected as Limca Book of Records, being the best female saxophonist in India. अरे वाह. I got that. Even then I didn't realize it was that big. Then in recent times I googled it and saw all the great people are there in that list. I'm a something then. बाद में मुझे realize हुआ. मैंने ये भी पढ़ा था कि आपने 5000 शोज किए हैं एंड या मोर देन दैट राइट ग्रेट. सो अभी जब आप सोचते हो कि पीछे देखते हो एंड आपको एयरोस्टेस बनना था और आपको वहाँ पे भेज दिया सैक्सोफोन सीखने को तो लगता है क्या कि 5000 शोज कर सकती थी तभी ऐसा डू यू थिंक दैट यू आई डिडंट हैव एनी क्लू ही नहीं था कोई ऐसे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगी और हमेशा फ्लाइट में ही घूमती रहूंगी ऐसे मैंने कभी सोचा. आप कितने कंट्रीज विजिट किए हो? आई विजिटेड मोर देन 18 कंट्रीज. एंड व्हिच वाज योर फेवरेट कंट्री टू प्ले? लंदन इज द माय फेवरेट सिटी. ऑलराइट. ईच टाइम यू गो देयर इट्स लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस. वन ऐसे एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ. एक बार एक ओपन प्लेस में नॉटिंगहैम ऐसे जगह है वहाँ पे ओपन प्लेस में प्रोग्राम था तो बहुत सारे लोग वो ऑडिटोरियम से बाहर भी थे. Huh. They didn't know that a girl was playing. They came and at the end of the, when I was packing my stuff, and they came and they greeted me. And, oh my God, you're a girl. We didn't know that you're a girl. And ऐसे आप इतना equal performance था, I mean, powerful performance. Because even now, when you think of saxophone, अपने मन में ऐसे आता है कि that's some old uncle playing saxophone. But we couldn't, you know, until now we couldn't picture. Yeah. No. We couldn't picture a woman playing a saxophone. Because it was a lot of energy and I do take quality food and I try to work out whenever I have time. ये global question है अभी सब लोग को जानना है मतलब I am just fortunate that I never had to ask this question to anyone because I have zero stage fear and so I'm just like lucky that I was conditioned that way to never have any kind of stage fear. But you know many people say different things like they say probably imagine the people sitting in front of you, imagine them naked. So, you know, you just feel like it's a funny situation and you don't have any stage fear. So, what would you tell someone on, you know, how to not have stage fear? ऐसे कि नहीं कि मैं मुझे कभी भी डर ना लगा ऐसे नहीं है. Once I feared when I had gone to Rehman's studio. Wow. I didn't know that it was Rehman's studio. Somebody called me, एक थोड़ा सा piece आपको बजाना है. मैं चली गई. जैसे मैं बैठी रही बहुत टाइम लगा वो ऐसे जैसे आए मुझे लगा कि शेर को देख लिया मैंने इतना डर लगा मुझे. देन आई थॉट डर डर के गई अंदर एंड देन बट ही वाज सो फ्रेंडली एंड वेरी हम्बल. ऐसे मुझे लगा ही नहीं कि रहमान सर का ये ही प्लेड इन पियानो एंड आई टुक द नोटेशंस एंड आई इमीडिएटली ही डिडंट मेक मी फील एट ऑल कि वो डर था ही नहीं. तो ऐसे नहीं है कि हम डरते नहीं हैं. जब हम लेजेंडरी आर्टिस्ट को देखते हैं उनके सामने बजाना पड़ा तो थोड़ा सा छुपाना पड़ता है अभी होता है. ऐसे मुझे कभी स्टेज फियर आया ही नहीं लाइफ में. इवन व्हेन आई वाज प्लेइंग माय फर्स्ट कॉन्सर्ट इन मैसूर ये गणपति आश्रम में फर्स्ट कॉन्सर्ट हुआ था दैट द इनॉग्रेशन ऑफ द नाद मंडपम इट वॉज लाइक फुल पैक्ड ऑडियंस ऑफ 7000 पीपल. आई डिडंट हैव अ स्टेज फियर एट ऑल. I went and sat there and looked at and closed my eyes and played. Because ये इतना confidence इसलिए आया. My dad was always playing with me at home. So I didn't and even my mother's she sacrificed so much. कभी भी वो बहुत बीमार होती थी
Did she that also play something? No. Okay. She was housewife. Oh. But she used to sing ये भजन पूजा करते time पे गाती थी हर पूरा दिन गाती थी कुछ भी काम करो गाता ही रहती थी तो but she didn't force me कभी भी हो जब भी वो बीमार हो मैं हाथ बटाने के लिए अंदर जाती थी किचन पे वो मुझे बोलती थी she used to shoo me away तुम जाके वो practice करो ये तुम्हारा काम नहीं है तुम वो करो बाद में मुझे एहसास हो गया अगर मैं थोड़ा सा भी कम हो जाऊंगी ना इन लोगों का अपमान हो जाएगा एक्सपेक्टेशंस चला जाएगा हां दोनों लोगों इतना मेरे ऊपर भरोसा है वो टूट जाएगा तो इसलिए मुझे दम लगा के करना पड़ा How did you cope up with all the pressure? Like, do you still have that insecurity के आज अपने पास काम है, इतने bookings है, और कल हो या ना हो पता नहीं। तो आप सोचते हो क्या अभी भी कि you know? Insecurities are always there. Yeah. Whether I have shows or not, हमेशा डर रहता है अगर people के expectation, if I am not living up to their expectation, ये तो होता है। And हर concert में people सोचते हैं कि हम आँख बंद करके तन्मय होके बजाते हैं, ऐसे नहीं होता है। We are always conscious that हम कोई mistake ना करें कौन देख रहा है कैसे है हमारा body posture कैसा है how the people are receiving are they enjoying or not is it boring वो सब हमें देखना पड़ता है and thinking about the other accompanying artist मिलजुल के आ रहे हैं कि क्या हो रहा है वो इतना tensions होते हैं दिमाग में I don't think so कोई भी इतना तन्मय होके मुझे नहीं होता है होता होगा legends के साथ but we always have insecurities If someone wants to learn a saxophone now, saxophones are expensive. Let's yes. face it, they're very expensive. Yes. Because now, for example, some ordinary instrument like a guitar costs exponentially less than a saxophone. Yes. So if someone actually wants to learn saxophone, but they are, you know, probably not from a great financial background, then how do they start and at what age do they start? I think they should start after 16 or 17 years old. There are many kids these days, baby saxophone karke aata hai, soprano ka, wo small model, aise dikhta hai, but wo chota rehta hai. Usko, there are many western countries mein waise bahut sara aata hai. People do that for the school bands ke liye chalu kar dete hain, bachpan mein kar dete hain. Then there are many kids who are wonderfully, exceptionally good in playing saxophone. How do you source work as a freelancer? Do you approach people for work or do people approach you for work? Like how does the whole process happen? As a freelancer, मैं आज तक किसी को भी approach काम के लिए approach नहीं किया है. But in every field, इतने सारे अच्छे artist हैं, काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. Concerts तो आसानी से मिल जाते हैं, but I wanted to explore more into movie background या इसमें. अंदर जाना ही मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग टीवी शोज एंड ऑल दे कॉल मी एज अ गेस्ट आर्टिस्ट उसके थ्रू बहुत हेल्प हुआ है आई हैव बीन परफॉर्मिंग इन तेलुगु मलयालम एंड तमिल एंड बंगाली मूवी भी किया है मैंने सो उसके थ्रू वर्क आ रहा है मुझे आई थिंक दैट्स द मेन पब्लिसिटी ना सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर शो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड Yeah, for you guys, all those who were a little hesitant about learning an instrument, and you were thinking that hoga ya nahi hoga, just jump right into it. You have a story right here. You can get inspired and you can just get into it. And you know, aisa bhi kuch ho sakta hai tumhare life mein. Toh abhi main request karta hu ma'am ko ki please hame thoda sa kuch baja ke dikhaye. I would love to.